जिसमें भाजपा के नव चयनित उम्मीदवार धनबाद लोकसभा से हैं, वे इनको धमकी दे रहे थे। और धमकी का कारण यही था कि कृष्णा अग्रवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिख दिया था। उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी, जो हम सभी के आदर्श रहे हैं, उनका एक कोटेशन दिया था। दीनदयाल जी ने कहा था कि यदि पार्टी कोई गलत उम्मीदवार दे दे तो कार्यकर्ताओं को और जनता को पार्टी की वो गलती सुधार देनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने लिखा कि भाई आपने गलत उम्मीदवार दिया है, आप अपनी गलती सुधारिए। अब इसकी प्रतिक्रिया इतनी हुई कि जो उम्मीदवार जो प्रत्याशी हुए हैं, चुने हुए, उन्होंने इनको फोन किया, फोन करके धमकी दिया, गर्मा गर्म इनसे बहस की। इसके थोड़ी देर बाद मुझे फिर पता चला कि उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें मेरे बारे कहा है कि इस सबके पीछे जमशेदपुर के एक नेता हैं, उनका हाथ है। अखबार में आज छपा भी है। तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति अगर निमंत्रण आपके पास भेज देता है तो निमंत्रण पूरा करने आपको जरूर जाना चाहिए। तो मैं यहाँ आया। कृष्णा अग्रवाल जी के साथ जो घटना हुई है वह केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं हुई है, वह पूरे धनबाद के मतदाताओं और यहाँ की जनता के साथ हुई है। और इससे स्पष्ट हुआ है कि जो व्यक्ति प्रत्याशित घोषित होते ही, नामांकन करने के पहले ही और चुनाव जीतने या हारने के पहले ही अगर धमकी देता है किसी को, जो उसके चरित्र के बारे में सही चीजों को उन्हीं के पार्टी के सामने रखता है, तो इससे तो लोकतंत्र में कोई भी असहनीय बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ आया। मैं ऐसे लोगों के पीठ के पीछे खड़ा रहता हूँ जो सही बात करते हैं। इनको भयभीत करने, आतंकित करने की बात हुई तो मैं इसलिए आया कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरी जरूरत जहाँ पड़ेगी मैं धनबाद का इस तरह का आतंक खत्म करूंगा। अभी इन्होंने एक वो कोई खान साहब थे जो दुबई से रंगदारी मांग रहे थे और जो नहीं देता था गोली मारते थे, तो कृष्णा अग्रवाल ही धरना पर बैठे थे। मैं भी उस धरने में आया था। उसके बाद मैंने इस मामले को भारत सरकार के साथ उठाया। ईडी और सीबीआई उनकी जांच कर रही है, उनकी बोलती बंद हो गई है। तो इस तरह का काम जो करता है आदमी, उसकी बोलती बंद होनी चाहिए और जनता को अंततः फैसला लेना है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आप सभी के बीच में इस बात को रखने के लिए। और स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ कि बाघमारा इलाके में बीसीसीएल के 1 से 5 तक के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो आतंक चल रहा है, रंगदारी चल रही है, वहाँ से वसूली हो रही है और वसूली सबसे हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पैरवी करते हैं तो उनसे भी कहा जाता है कि ये तो धंधा है साहब, वसूली है, इसमें मत हस्तक्षेप करिए। तो इस आतंक को मैं बंद कराऊंगा और बीसीसीएल के अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि खदानों से जो खनन होता है, जिसको डीओ देते हैं, वह निर्बाध रूप से अपना माल उठाए। इस तरह का काम करना, मनी लॉन्ड्रिंग करना है, ये ईडी का भी मामला बनता है। मैं ईडी से भी कहूंगा लिखित रूप से कि आप इसका संज्ञान लीजिए और बड़े पैमाने पर धनबाद के बीसीसीएल के बाघमारा के 1 से 5 एरिया खदानों में इस तरह का काम हो रहा है। अभी चुनाव घोषित हो गया है तो चुनाव आयोग को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि धनबाद में इस तरह से इकट्ठा किया मनी लॉन्ड्रिंग का जो धन है। आपके बच्चों के स्वर्गीय और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हम है आपके स्वागत को तैयार।
बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेम को मोर धनबाद। एडमिशन ओपन।